हाय दोस्तों, फिल्मी फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए फोटोशॉप की क्लास नंबर 6, जिसमें आपको वेक्टर शेप्स को कस्टमाइज करना सिखाएंगे और वेक्टर शेप क्या है वो बताएंगे और वेक्टर शेप का यूज़ किस लिए किया जाता है वो भी बताएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 6। हाय दोस्तों, और हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम आपको सिखाएंगे वेक्टर शेप का यूज किस तरह से किया जाता है, वेक्टर शेप का यूज मेनली क्या होता है, वेक्टर शेप किस लिए यूज की जाती है फोटोशॉप में। वैसे तो हम आपको बता देंगे वेक्टर शेप का यूज 2D करेक्टर बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका वेक्टर शेप का यूज इलस्ट्रेटर में भी किया जाता है और फोटोशॉप में भी किया जा सकता है। तो आपको वेक्टर शेप में हम यूज करना सिखाएंगे, वेक्टर शेप का यूज फोटोशॉप में कैसे किया जाता है। और ये इस साल की लास्ट वीडियो होगी, तो हम जो वीडियो अगले साल लेकर आएंगे फोटोशॉप के लेकर आएंगे वो इसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2022, उसमें हम आपके लिए फोटोशॉप की क्लासेस लेकर आते रहेंगे और साथ में आपके लिए इलस्ट्रेटर की क्लास भी लेकर आएंगे। आप इलस्ट्रेटर भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम फोटोशॉप की क्लास शुरू करते हैं। तो हम ऐसे सीधी वाइज सभी सॉफ्टवेयर की क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए हम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम एक बार फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब हमने तो हम क्या करेंगे, इस पर वेक्टर शेप का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास ये साइड में देखिए वेक्टर शेप है, तो हम पहली रेक्टेंगुलर वेक्टर शेप को दिखा देते हैं आपको क्या क्या यूज होता है। तो हम इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ से आप इनके स्ट्रोक फिल कलर जो भी करना वो बंद कर सकते हैं, जब कलर चेंज कर सकते हैं। आपको बताई दिया है पहले भी, अगर वो वीडियो ने देखी तो ऊपर आई बटन पर दे रखी होगी, वहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद में इसका क्या यूज़ होता है आपको बता देते हैं। तो ये देखिए बीच में, ये देखिए ये जो गोल एंकर पॉइंट दे रखा है, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए ये देखिए हम शेप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं इसे। देखिए देखिए आप जैसी शेप चाहें वैसी बना सकते हैं, जैसी भी मन चाहे आपको, जैसी चाहिए आपको वैसे ड्रैग करके बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी शेप्स हैं, तो हम इन्हें अगर हमें और कस्टमाइज करना हो तो कस्टमाइज करने के लिए ऐड एंकर पॉइंट टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और यहाँ पर देखिए ये प्लस का पॉइंट के साथ हमारे पास ये आ गया है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और दे देंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए कहीं भी रख सकते हैं, देखिए तो हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अब इसको कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, ये प्लस का निशान आ गया देखिए कर्सर पर, और इसे हम प्लस के निशान से ड्रैग कर सकते हैं। देखिए इतना चाहिए, यहाँ से हम इस साइड से ड्रैग करेंगे तो हम एल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये दोनों साइड से लेगा, तो इसलिए हम इसको एल्ट को छोड़ के यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। देखिए तो हम कहीं से भी ड्रैग कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके आप कहीं से भी ड्रैग कर सकते हैं। देखिए देखिए तो आप ऐसे कुछ भी कस्टमाइज करके शेप को कुछ भी बना सकते हो जो आपको मन चाहे। तो आप हम यहाँ पर एक और दे लेते हैं, देखिए आप कीबोर्ड से भी अपर डाउन की से लेफ्ट राइट की से जैसे चाहें वैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए और बाद में आप चाहें यहाँ से कस्टमाइज करें वो आपकी मर्जी है, जैसी शेप आपको चाहिए उसके बाद में आप वैसी शेप बना सकते हैं। देखिए तो ये देखिए ऐसे कस्टमाइज की जाती है शेप को, ऐसे 2D और 3D करेक्टर्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो हम इलस्ट्रेटर में भी आगे सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर में शेप्स को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, कैसे 2D करेक्टर बनाए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट ईयर में आपके लिए इलस्ट्रेटर भी साथ में लेकर आ रहे हैं। आपके लिए ऑफर क्या है, इलस्ट्रेटर के साथ फोटोशॉप भी आ रहा है और इलस्ट्रेटर भी आ रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई क्लास को मिस ना कर सकें। तो हम और देख लेते हैं इसमें से, ये देखिए ये शेप है, हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए ये शेप को हमने बनाया, इसको हमने यहाँ से कर देते हैं, इसको कलर चेंज करके येलो कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम एंकर पॉइंट को ड्रैग कर सकते हैं, देखिए देखिए जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं। देखिए देखिए
ऐसे करके आप जैसे चाहे वैसे शेप बना सकते हैं। यहाँ पर हम एक एंकर पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर, और इसको इधर से ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखिए जैसी आप शेप को घुमाना चाहें मोड़ना चाहें वैसे ही बना सकते हैं। देखिए मैनुअली शेप, इसमें एंकर पॉइंट बहुत है पहले से, तो हम ऐसे एंकर पॉइंट को पकड़ के ऊपर उठा सकते हैं। ये देखिए जैसे भी चाहें आप बना सकते हैं। देखिए तो हमने आपको बता ही दिया है कि शेप का, वेक्टर शेप का यूज़ मैनुअली किस लिए किया जाता है, तो आप इस कोई शेप को यूज़ करके बना सकते हैं। इसमें भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, देखिए जहाँ से चाहें वहाँ से कर सकते हैं एंकर पॉइंट ऐड। देखिए तो आप कस्टम शेप्स को कस्टम कर सकते हैं अपने हिसाब से शेप को, और जैसी चाहें वैसी शेप्स बना सकते हैं आप। तो ऐसे ही करैक्टर, 2D करैक्टर को डिज़ाइन किया जाता है। आप जो छोटा भीम देखते हो वो ऐसे ही करैक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। वो अलग बात है कि वो कई बार प्रीमियर प्रो इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में करने यूज़ होते हैं, उनके लिए बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो आप इसमें भी छोटा भीम डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे हम आपको 3D करैक्टर डिज़ाइन करना भी सिखाएंगे कि 3D लुक में, 2D करैक्टर को 3D लुक में कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो आप वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।